टू ऑल गाइस, इट्स 8th of August 2023 और सिर्फ 7 दिन बचे हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे के लिए। 76th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए आज का जो करंट अफेयर है वो एनालाइज कर लेते हैं। पहला न्यूज़ है एक्चुअली, एंड हाँ, दिस सीरीज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी के लिए अलग सीरीज हमने कर रखा है, वो सबको पता ही होगा। पहला क्वेश्चन जो था क्या हुआ, वो थोड़ी एरर हो गई थी, इसे फिर से हमें टाइप करना पड़ा, इसलिए आपको ब्लैक फॉर्मेट में दिखेगा। तो चलिए न्यूज़ को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैव द हाईएस्ट AUM इन इंडिया। AUM का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। एंड एज ऑफ मार्च 2023, कोटक महिंद्रा बैंक हैड एन AUM ऑफ 3.1 ट्रिलियन। बिग न्यूज एक्चुअली, 3.1 ट्रिलियन विच इज हाईएस्ट इन इंडिया। एंड दिस इज फॉलोड बाई HDFC विद एन AUM ऑफ 2.9 ट्रिलियन एंड SBI विथ AUM ऑफ 2.8 ट्रिलियन, सॉरी। एंड इट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक क्वेश्चन एंड वी कवर दिस न्यूज फ्रॉम moneycontrol.com। ओके, तो एक्सपेंशन पे आया था, अभी देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज़्यादा है, 3.1 ट्रिलियन का AUM उसके पास है, ठीक है? रिसेंटली न्यूज़ में एक और रीज़न की वजह से थी, कोटक महिंद्रा ग्रुप ने मर्ज कर लिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस एंड अल्टरनेट फंड्स मैनेजमेंट बिजनेस, जिसके पास 18 बिलियन क्यूमुलेटिव एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ओके, एंड बात करें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के बारे में, तो वो होता क्या है? ये देख लो, ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फिनेंशियल इंश्योरेंस, मतलब कि एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ओन करता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और कहा जाए तो मैनेजेस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। अगर सिंपल बात में बात करूँ तो यहाँ लिखते हैं, आपने ज़ेरोडा के बारे में सुना होगा या वज़ीरेक्स के बारे में सुना होगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? तो होता क्या है, जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मार्केट में, आपके बिहाफ में ये आपसे पैसे लेके इन्वेस्ट कर देगी। जैसे ICICI प्रूडेंशियल हो गई, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, कोई भी सेक्टर है, आपके बिहाफ में ये पैसे इसको लेके इन्वेस्ट करेगी और आपको फिर बेनिफिट करा के देगी। तो मतलब देखा जाए तो सारा का सारा जो मनी का कंट्रोल होता है, ठीक है, वो इनके पास चला जाता है, उसी को बोलते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है? और वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे मान लो आप म्यूचुअल फंड्स को पकड़ लो, ठीक है, हेज फंड्स हो जाते हैं, ETC, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं। और अगर कहा जाए तो AUM को डिफरेंट वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द फर्म का डिक्रीशन कैसे है उस हिसाब से हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्यों है अब भाई, AMU तो फिर इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली ये क्या करता है, मार्केट वैल्यू एक फर्म का बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक फर्म कितना बड़ा बन सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है? तो और कुछ तो बताना ज़रूरी नहीं है, नहीं, इट्स ओके, इतना काफ़ी था इस न्यूज़ के लिए, ठीक है? ये इकोनॉमी का पोर्शन है और आपने इसे मनी बैंकिंग में एक बार पढ़ा ही होगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निकल के आ रहा है हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल से, ये इंडिया शॉर्ट्स डॉट कॉम ने इस न्यूज़ को कवर किया था, ठीक है? और न्यूज़ क्या कह रही है वो देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विथ रेफरेंस टू रिगार्डिंग ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इंडिया शॉर्ट्स डॉट कॉम ने इस न्यूज़ को कवर किया था। और
ये न्यूज़ ये कह रहा है दे आर टेक्सटाइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरीली फॉर देयर फंक्शनलिटी एंड यूज रैदर देन एस्थेटिक अपील. ठीक है. द सेकेंड स्टेटमेंट सेज दे आर डिजाइन टू हैव लेवल्स ऑफ फिजिकल मैकेनिकल थर्मल एंड फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर यूज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है. रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट सेज ग्लोबल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू रीच US$2.72 बिलियन बाय 2030. सोचो कितना बड़ा देखा जाए तो ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट का साइज होने वाला है. एंड इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल टेक्सटाइल, व्हाट इज टेक्निकल टेक्सटाइल? एक्चुअली टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड प्राइमली फॉर देयर फंक्शनैलिटी एंड यूज रैदर देन एस्थेटिक अपील. ओके. अगर बात करें तो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस के इंडिया में ज़रूरत क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है, ठीक है, ये इसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है NTTM टू इंक्रीज पेनिट्रेशन लेवल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन इंडिया. ठीक है. अब एम क्या है इस मिशन का? एम है रिसर्च को बढ़ाना, इनोवेशन को डेवलप करना एंड डेवलपमेंट. ठीक है. क्रिएटिव आइडियाज लेके आओ. तो ये चार कंपोनेंट है इसके. पहले क्या है? रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट. दूसरे कंपोनेंट में इसमें जो रखा गया है वो है, आगे देख लेते हैं. दूसरा कंपोनेंट जो इन्होंने रखा है वो है प्रमोशन एंड मार्केट को बढ़ाना, डेवलप करना. ठीक है. तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, और चौथे कंपोनेंट की बात करें तो एडुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट. ठीक है. तो चार कंपोनेंट है, रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फोर्थ वन इज एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट. ओके. व्हाट इज द टारगेट? एक्चुअली टारगेट इज 40 to 50 बिलियन बाय 2024. दिस इज द टारगेट. ओके. सो लेट्स कम्स विद द थर्ड न्यूज. द टर्म स्वाथी माउंटेन्स. ओके. द टर्म स्वाथी माउंटेन्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, एंड दिस न्यूज इज कवर्ड फ्रॉम रिपब्लिक वर्ल्ड डॉट कॉम. इट्स अ वेपन लोकेटिंग रडार. ओके. वाई इट इज अ न्यूड? बिकॉज न्यूज बिकॉज इंडियन आर्मी इंडक्टेड द लाइटर एंड मोर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेपन. तो पिक्चर देख लें जरा. ये है एक्चुअली स्वाति माउंटेन्स, और यहाँ पे इसको न्यूज़ को देखो, रिपब्लिक वर्ल्ड ने कवर किया है, और आज हम लेकर आए इसे यहीं पे. जो है वो रडार बनाया गया है. ठीक है. तो चलिए न्यूज़ के ऊपर, बैक टू द न्यूज़. अब ये कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने अपना लाइटर और मोर कॉम्पैक्ट वर्जन जो था वेपन लोकेटिंग रडार, जिसको सौंती माउंटेन्स भी कहा जाता है, उसे ये कर दिया. अब अगर स्वाति माउंटेन्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये स्वाति माउंटेन्स WLR इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड हाई फेस्ड एरे रडार. सोचो. एंड दूसरी बात करें तो इट इज़ स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन माउंटेनस एंड हाई एल्टीट्यूड एरिया. मतलब
ऊंचे लेवल पे, जैसे जहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा है वहाँ के लिए ही बेसिकली से डिज़ाइन किया गया, ठीक है। थर्ड थिंग, डेवलप्ड बाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन बेंगलुरु, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। सो वॉट इज़ वेपन लोकेटिंग रेडार, एक्चुअली होती क्या है WLR, होती क्या है, ठीक है। एक तरह का ये इट इज़ अ क्रिकेट क्रिटिकल एसेट फॉर मॉडर्न मिलिट्रीज, मतलब कि एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स को एम्प्लॉय करने से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करेगी हॉस्टाइल आर्टिलरी मोटार्स या रॉकेट लॉन्चर्स को। और क्या होता है कि जब दुश्मन देश हमला करे, हमारे पास टेक्नोलॉजीज ही नहीं है तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि ऑलरेडी उन्होंने हमला कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मूवी देख रहा था, दैट वॉज इन नेटफ्लिक्स, न्यूज़ एक्चुअली इज फ्रॉम अबाउट सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया उस मूवी में। तो उन्होंने कहा कि कोहिमा में सुभाष चंद्र बोस ने एक न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने का एक पूरा सेट तैयार किया था उसके ऊपर थी। तो ऐसा ही है कि और वो अटैक वो लोग दुश्मन के हाथ में लग जाता है और वो फिर चाइना की तरफ अटैक करने वाले थे। तो चाइना का खुद डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि इंडिया अटैक करने वाली है, उसी के ऊपर सारा का बहुत सारा मूवी बना। तो ये वही है कि जिससे क्या हुआ कि जो आप देखो जाए तो इससे हमारे डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और आने वाला जो प्रे है या दुश्मन है या प्रेडिटर है उससे हम बच सकेंगे। इसीलिए इस तरह के टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना कोई गलत चीज़ नहीं होती, ये बहुत अच्छा है, मैंने तब इनिशिएटिव लिया गया। अब अगर थोड़ा सा बात करूँ कि स्वाथी प्लेन्स और स्वाथी माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो स्वाथी रडार जो है वो दो वर्जन में आता है, पहला है स्वाथी प्लेन्स WLR और दूसरा है स्वाथी माउंटेन्स WLRM, बिकॉज इट इंक्लूड्स माउंटेन, ठीक है। स्वाति प्लेन वर्जन इज प्राइमरी डिजाइन टू लोकेट हॉस्टाइल गन्स एंड मोटार्स एंड रॉकेट एंड ऑल्सो वी ट्रैक द फॉल ऑफ शॉट फ्रॉम फ्रेंडली वेपन्स फॉर करेक्टिव मेजर्स, ओके। स्वाति माउंटेन्स वर्जन इज इट इज अ मोर कॉम्पैक्ट एंड मोबाइल वर्जन, द कॉम्पैक्ट एलोंग विथ मोबाइल वर्जन एंड स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑपरेशंस इन माउंटेनस एंड हाई एल्टीट्यूड, सॉरी इट इज हाँ इट इज एक्चुअली फॉर हाई एल्टीट्यूड इट विल बी यूज, ओके। रडार सिस्टम इक्विप्ड टू स्टोर एंड डिस्प्ले ट्रेजरी डेटा, आपको पूरा डेटा दिखाएगा कि कैसे 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 ट्रैक करना है और कैसे जाना है। जैसे मूवी में देखते होगे ना कि एक ऐसे रडार होता है उसके पास ऐसे ऐसे सिग्नल्स आते हैं और यहाँ कुछ रहता है, यहाँ कुछ बोलता है कि हाँ यहाँ से कुछ आ रहा है हमारे तरफ, इसी को सारा का सारा बोलता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कौन सी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुछ था ही नहीं, कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सोर्सेस www.hindustantimes.com, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटमेंट, चार्जशीट कॉन्टेन्स द नेम्स ऑफ द पीपल ब्राउट इन द कस्टडी द चेंज दे आर ब्राउट इन फॉर एन आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूजर्स, देर इज नो टाइम लिमिट टू फाइल अ चार्जशीट, ओनली द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। चार्जशीट कॉन्टेन्स द नेम्स ऑफ द पीपल ब्राउट इन द कस्टडी चाइन द चेंज दे आर ब्राउट इन फॉर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूजर। वाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज आई सन DGP रिसेंटली ऑर्डर द प्रिपरेशन ऑफ अ चार्जशीट अगेंस्ट एक्यूज इन द रेप एंड द मर्डर ऑफ अ 14-year-old गर्ल इन राजस्थान, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट चार्जशीट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज CRPC, सॉरी,
चार्ज शीट इज़ अ रिपोर्ट जनरेटेड बाई पुलिस ऑफिसर्स आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस। एक पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद चार्जशीट प्रिपेयर की जाती है। ऐसे ही नहीं कि आप जाओ और चार्जशीट बना देगी। ओके, तो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द चार्जशीट? इज 60 डेज। दिस इज द टाइम लिमिट फॉर द चार्जशीट टू पीप और एनी हाउ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। ओके, एंड 60 डेज फॉर द डेट ऑफ अरेस्ट, जहाँ से डेट अरेस्ट हो जाती है। एंड एक्यूज्ड इन केसेस ट्रायलेबल बाई लोअर कोर्ट्स एंड 90 डेज इन केसेस ट्रायलेबल बाई कोर्ट ऑफ सेशंस, के लिए 90 डेज का टाइम दिया जाता है ताकि पुलिस अपनी तरफ से पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर दे एंड देन फिर चार्जशीट प्रिपेयर करे। क्योंकि वंस अ चार्जशीट इज प्रिपेयर, ठीक है, तो उसके बाद ये नहीं होती हो। तो क्या एक सवाल निकलता है कि चार्जशीट और FIR दोनों सेम ही है क्या या अलग अलग चीज़ है? तो चार्जशीट तो हमने देख लिया, अब FIR की बात करते हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ये एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर्ड बाय पुलिस ऑफिसर। ये तब होता है जब एक पर्सन इन्फॉर्मेशन देता है, उसी के हिसाब से ये तैयार की जाती है। और चार्जशीट में क्या होता है कि पुलिस अपने हिसाब से छानबीन करती है एंड देन फिर वो प्रिपेयर करती है चार्जशीट को, ठीक है। यही एक डिफरेंस होता है। और FIR कोई भी फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वेदर इट इज़ ए विक्टिम और विक्टिम का फैमिली, या कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है, किसी के भी हाफ में भी FIR को फाइल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था इसमें, और ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अभी क्या हुआ है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिसेंटली सेट सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर येट टू इम्प्लीमेंट द इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, दैट इज IRS, बिकॉज ऑलरेडी मेघालय एंड असम इज इन द फ्लड लाइक सिचुएशन। ऑलरेडी दे आर फेसिंग द फ्लड लाइक सिचुएशन। और उसके बाद क्या हो रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो कह रही है वो उसका बात ना यूटी सुन रहे हैं ना स्टेट सुन रहे हैं, इसीलिए अभी ये न्यूज़ में आ गई, ठीक है। तो देर आर टू स्टेटमेंट्स, इट इज़ अ नॉन स्टेटरी बॉडी एंड इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री यूनियन अथॉरिटी ऑफ अर्थ साइंसेस। ओके, तो ना ये पहला ऑप्शन सही है ना ये दूसरा ऑप्शन सही है। क्यों नहीं सही है वो बताता हूँ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने रिसेंटली कहा है कि सेवरल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर येट टू इम्प्लीमेंट द इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वॉट इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोसीजर्स एंड कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग विद इन अ कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ असाइंड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली अकम्पलिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव परटेनिंग टू एन इंसिडेंट, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये कॉम्बिनेशन है फैसिलिटीज का, इक्विपमेंट का, पर्सनल्स का, जो कि अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में तुरंत आके काम कर सके। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड DM एक्ट 2005, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स। ओके, और जब किसी भी तरह का अर्ली वार्निंग हो या कुछ, कभी कभी सुनते होंगे ना कि साइक्लोन आने वाला है तो मछुआरों को पहले ही साइड करा दिया गया, हटा दिया गया और निचले स्तरों से खाली करा दिया गया, तो ये वही काम करती है, ठीक है। परमानेंट बॉडी जो है इसका वो है होम अफेयर्स, ठीक है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, NDMA। चलिए, तो और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा निकल के आ रहा है dst.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द dst.gov.in एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द राजभाषा इफेक्ट वाइल वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ओके, तो इस पे चार स्टेटमेंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स ऑन अर्थ, द न्यूज़ कम्स फ्रॉम एक्चुअली जियोग्राफी एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड इट इज़ एन आउटकम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, इट इज़ अ क्वांटम फेनोमेना। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वांटम फेनोमेना। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे बात कर लेते हैं कि अच्छा ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, राजभाषा इफेक्ट है, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में निकल के आई, क्योंकि हुआ क्या था कि सम 2D कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स ऑफ ट्रांसिशंस, नाइट्राइड्स ऑफ ट्रांसिशन यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, जस्ट अ सेक। यूजिंग सम 2D कार्बाइड्स और नाइट्रेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव कंप्यूटेशनली डिजाइंड अ न्यू कंपोजिट क्वांटम मटेरियल दैट एग्जिबिट्स एन एग्जॉटिक क्वांटम प्रॉपर्टी कॉल्ड राजभाषा स्प्लिटिंग इन कोलोसल स्केल इन अ मेटेलिक एनवायरनमेंट। मैं आपको पहले पिक्चर दिखा दूँ कि यह है क्या राजभाषा स्केल्स। देखो ये है राजभाषा इफेक्ट, ठीक है, ये आपका साइंस एंड जियोग्राफी दोनों में कवर होगा, ठीक है। आप देखना चाहो तो ये पूरा पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। चलिए न्यूज़ पे वापस आते हैं। एक्चुअली की फाइंडिंग्स के बारे में बात करूँ तो शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आए। साइंटिस्ट जो है वो कंप्यूटेशनल रिसर्च पर फोकस करें, 2D क्वांटम मटेरियल्स। एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, शायद देखा होगा आपने, एंटमैन एंड द वैस, ठीक है। उसमें यही दिखाया गया था कि क्वांटम मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको कंप्यूट कैसे करते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल को आप कभी भी इस हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। एंड कंफाइन ज्योमेट्री इन वन ऑफ द डायरेक्शन, 2D मटेरियल्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे आर ईजियर टू असिमिलेट इन डिवाइसेस। इसीलिए 2D मटेरियल जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो जो है उसको असिमिलेट कर सकते हैं आप डिवाइसेस में, ठीक है। तो जो टीम है वो फोकस कर रही है अभी कि 2D क्वांटम मटेरियल्स को कंपोजिट किया जाए, ठीक है। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो दो डिस्टिंक्ट क्वांटम को जो वर्कर है, ठीक है, वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट करने में सक्षम हो गए, ठीक है। एक तो आपका हो गया राजभाषा इफेक्ट, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी या साइंस में, और एक होगा नॉन लीनियर अनोमलस हॉल इफेक्ट, ठीक है। ये साइंस और ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चार बार भी डाल दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक बार पूरा का पूरा जो है इन्फॉर्मेशन एक बार dst.gov.in पर जाके पढ़ना, और साथ में इस एक्सप्लेनेशन जो मैंने डाला है वो भी देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा निकल के आ रहा है क्वेश्चन liveint.in से, और क्वेश्चन है जी सैट। आप सी सैट तो सुने हो, क्या जी सैट भी सुनी लो, ठीक है। जी सैट 24 के ऊपर न्यूज़ निकल के आ रही है, जी सैट देख लो पहले क्या होता है। ठीक है, ये जी सैट सेटेलाइट है, उससे रिलेटेड न्यूज़ निकल के आई है, पीछे देख लो आप। अब सोर्स जो है हमारा liveint.in.com से लिया गया है, इसमें कह रहा है इट वॉज प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट और इट वॉज द फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सेटेलाइट मिशन, ठीक है। तो इसके जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, इट वॉज द फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सेटेलाइट मिशन है
ये प्लेस्ड लो ऑर्बिट में प्लेस नहीं है, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में आया है, क्योंकि डायरेक्ट टू हम डीटीएच कंपनी जो है, जो हम जिससे हम लोग जो डीटीएच डिश टीवी हो गई या फिर जो रिलायंस की है या एयरटेल की है, ठीक है, तो उसमें जो है डीटीएच कंपनी जो है वो टाटा प्ले जो है, जिसमें डीटीएच कंपनी टाटा प्ले अपना खुद का निकाल रखा है, इससे पहले उसके साथ कुछ और नाम था, ठीक है। तो वो अपना बैंडविथ कैपेसिटी को बढ़ाने में लगा हुआ है बाई 50%, ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में आ गया है। और क्या कर रहे हैं, इसमें 24 नए क्यू बैंड मतलब KU बैंड ट्रांसपोंडर्स को वो ऐड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो, बाई एडिंग 24 न्यू KU बैंड ट्रांसपोंडर ऑन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 एंड वॉज बिल्ड बाई इसरो फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NASIL, विच वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बाई द एरियन 5 रॉकेट, ये याद रखना है, ठीक है। और कहा जाए तो ये इट इज़ अ 24 KU बैंड कम्युनिकेशन सेटेलाइट वेइंग 4,189 kg विद पैन बैंड कवरेज फॉर मीटिंग डीटीएच एप्लीकेशंस। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी होते हैं ना, बारिश वर्ष होती है तो आपका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, उसको इन्हेंस करने के लिए ये सब प्रोग्राम्स जो है, मतलब ये सब ट्रांसपोंडर्स को ऐड करता है, इससे चैनल्स भी बढ़ते हैं और साथ में आपका जो रिसेप्शन है वो ख़राब नहीं हो, वो चाहे बारिश आंधी तूफान कुछ भी आ जाए उस टाइम में ये और अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। और ये कन्फर्म किया गया है इसरो का प्रूवन I3 के बस 15 साल का इसका लाइफ स्पैन होने वाला, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निधि प्रोग्राम जो आपके स्कीम से रिलेटेड है, और न्यूज़ लिया है हमने PIB से। PIB का न्यूज़ मैंने हमेशा बताया कि जैसे PIB का न्यूज़ आया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्यों है, निधि प्रोग्राम सोर्स PIB.gov.in है। इट इज़ अम्ब्रेला प्रोग्राम कॉन्सीव्ड एंड डेवलप्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बिल्कुल अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इट इज़ फंडेड बाय द नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी आपका 100% करेक्ट है। न्यूज़ में क्यों है वो देख ले थोड़ा। रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्म राज्यसभा अबाउट निधि प्रोग्राम, ठीक है। निधि प्रोग्राम जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्डनिंग इनोवेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 2026, ठीक है। इसमें आप इनोवेटिव आइडियाज़ जो है गवर्नमेंट को दे सकते हो, आप अगर कुछ बनाना चाहते हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो आपको लोन देगी और अदर फीचर्स भी आपके लिए खोल दिया जाएगा। कहा जाए तो मेक इन इंडिया का ही कॉन्सेप्ट पे से भी रखा गया है, ठीक है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़ कवर किया था ना कि लैपटॉप बैन करना चाह रहा है इंडिया इम्पोर्ट करने का स्पेशली, ताकि मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाए, उसी तरह का ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम कॉन्सीव्ड एंड डेवलप्ड बाय द इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एम क्या था, टू नर्चर स्टार्टअप्स थ्रू स्कॉटिंग सपोर्टिंग एंड स्केलिंग इनोवेशन। जितना भी सपोर्ट हो सके वो गवर्नमेंट इसमें देना चाहती है, ठीक है। फंडिंग की बात करें, अगर फंडिंग की, तो फंड यहाँ पे नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड के तहत होगा, ठीक है, NSTED B के तहत, ठीक है। चलिए तो 9th पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपका एक पॉलिटी का क्वेश्चन निकल के आ रहा है और इसे कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक बार बात कर ली थी कल, लेकिन फिर से आ गई है तो देख लेते हैं। इट वॉज सेट अप अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा कह रहा है, दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो, ये चेयर किया जाता है लोकसभा स्पीकर द्वारा या नहीं,
हाँ या ना? ठीक है, तो नहीं है, लोकसभा स्पीकर द्वारा जो है चेयर नहीं किया जाता। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, यूनियन मिनिस्टर चेयर 38th मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इस बात चल रही थी कि देखो हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज तो है ही, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोला जाता है, पर ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हिंदी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट एससी ने कहा है, वैसे अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कहाँ कहाँ इंग्लिश था। इंग्लिश को स्टार्टिंग के 15 साल के लिए रखा गया था आज़ादी के बाद, कि आप इंग्लिश को यूटिलाइज कर सकते हो, 15 सालों के बाद हटा दिया गया, एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, उसके बाद उसे हटा दिया गया। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। अभी ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बात उठी हुई है कि हमारा एक अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए अदर देशों की तरह। ठीक है, तो कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज सेटअप इन 1956 अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट सेज देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन रेजोल्यूशन टू दैट अफेक्ट बीइंग मूव्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पास बाई द बोथ हाउसेस। ठीक है, तो ये जो कमेटी होती है इसे यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, प्रोविजंस 1963 के तहत है। ठीक है, और फर्स्ट रिपोर्ट जो था ये जब बैठा था तो उसका पहला रिपोर्ट आया था 1987 में। बात यही है कि इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस चाह रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज हो, इस न्यूज़ को द हिंदू ने कवर किया था, और कुछ पॉलिटिशियन जो है इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बस अभी चल रही है कि इंडिया को अपना खुद एक ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेना चाहिए। लेट्स सी कि आउटकम क्या निकल के आती है, अभी तो फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है, अब आते हैं, अब आप बोलोगे कि दुरंत कप टूर्नामेंट पे तो स्पोर्ट्स से तो न्यूज़ निकल के नहीं आती है, स्पोर्ट्स से भी आती है। ठीक है, यूपीएससी भी पूछता है और प्लस स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम भी पूछता है, लेकिन न्यूज़ पूछने का तरीका जो है स्टेट पीसीएस सीधा तरीके पूछता है, यूपीएससी घुमा के पूछता है। दुरंत कप टूर्नामेंट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट, इट इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। रिसेंटली क्या हुआ, अब यूपीएससी कैसे पूछता है वो देख लो। रिसेंटली होम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इनॉग्रेटेड 132nd एडिशन ऑफ दुरंत कप इन कोकराझार। ठीक है, देख लो अगर देखना चाहते हो दुरंत कप जो हुआ है अभी। अभी दुरंत कप हुआ था। ठीक है, और इट इज एशियाज ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। इससे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एशिया का सेकेंड ओल्डेस्ट है एंड वर्ल्ड का फर्स्ट ओल्डेस्ट फुटबॉल है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा आपसे। ठीक है, एंड विच इंडियन फुटबॉल क्लब्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट, इसमें पूरा इंडिया के जितने भी फुटबॉल क्लब्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, देन रेगुलर एडिशन टू प्लेस इन शिमला इन 1888। ठीक है, 1888 में इसका शुरुआत हुआ था, और उस समय हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। स्टेटेड एज अ आर्मी कप ओपन ओनली टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स ऑन इंडिया। ठीक है, उस समय सिर्फ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स के लिए ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर सर हेनरी मोर्टाइमर डुरंट। इट वॉज बिगेन एज अ फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड रेजिमेंट्स ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और नाम जो रखा गया था वही हेनरी मोर्टिमर डुरंट के नाम पे रखा गया था। ठीक है, और तब से ये पता चलती आ रही है। शिमला ट्रॉफी एक हुई थी 1904 में, और एक प्रेसिडेंट कप भी हुआ था। ठीक है, वो हुआ था 1956 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी न्यूज़ जो है पीआईबी ने कवर किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है। इसको घुमा के पूछने का यूपीएससी का बहुत पुराना स्टाइल है, इसीलिए इस न्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आई गेस कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियोज और नॉट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।